नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी कव्वाली में बजने वाले एक विशेष प्रकार के बारे में बात की थी कि सर हमें उसके बारे में बताया जाए कि ये कव्वाली का ठेका कैसे बजता है और कौन से बोल इसमें एडिट किए जाते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको कव्वाली का एक विशेष ठेका बता रहा हूँ जो बहुत सारी गज़लों में बजा है। तो अगर मैं आप बताना चाहूँ तो 50% अगर जितनी भी कव्वाली है उसमें यही कहरवा का स्टाइल लगाया जाता है। तो इसके बोल क्या हैं, इसको कैसे बजाना है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरी एक वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने बताया था कि कहरवा के बहुत सारे प्रकार, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कहरवा से जुड़ी हुई जितनी वीडियोज़ हैं, तो उसमें आप देखेंगे एक प्रकार मैंने विशेष तौर से आपको बताया है, दो तीन वीडियो में बताया है। तो उसके बोल हैं धिद्धा धित्ता तित्ता धिद्धा। फिर मैं बजाकर दिखा रहा हूं आपको। प्रकार मैंने आपको सिखाया था, अगर जिसने ये प्रकार नहीं सीखा तो वो कव्वाली का ये स्टाइल नहीं बजा पाएगा। तो इसलिए ये आप स्टाइल ज़रूर बजाएं। सबसे पहले तो अगर आपने ये बजाना सीख लिया तो बहुत सारे कहरवा के ऐसे वेरिएशन हैं, प्रकार हैं जो आप बड़ी आसानी से बजा सकते हैं। तो इसलिए इसका रियाज ज़रूर कर लें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बोल क्या हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और इसमें भी मैं आपको इसके बोल बता रहा हूँ, बोल हैं इसके धिद्धा धित्ता तित्ता धिद्धा, धिद्धा धित्ता तित्ता धिद्धा। तो ये आप जरूर बजा लें, और इसके बारे में डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया, तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि वो वीडियो आप जरूर देखें। तो अब इसको बजाने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान है। जैसे आप यहाँ पर मदीन पर आप बजाते हैं ती ता तिता 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 तिता, तो ये जब आप बजाते थे तिता तिता तिता, तो अब आपने क्या करना है, इसमें ती को छोड़ देना है, यानी कि ये जो ती यहाँ पर बज रहा है मैदान में, ये वाले मैदान में, तो इसको आपने छोड़ देना है, यानी कि अब क्या रह गया आपका ता ता। तो फिर ये ता 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 ता, तो अब आप कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसको तो ना भी बोलते हैं, तो बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ता में थोड़ा सा और ना में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो एक वीडियो है विशेष जो बोलों के ऊपर बनाई गई है, उन बोलों की जो वीडियो है कि तबले के सारे वर्ण, तो वो भी आप देख सकते हैं, ता और ना में आपको अंतर समझ आ जाएगा। अब यानी कि अब इसको आपने ती तिता तिता ती को छोड़ देना है, अब आपने ता 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 या ना 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 को बजाना है। अब ना 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 रख लीजिए, अब ना 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 को ही ऐड करना है, ती ती को छोड़ देना है। अब बजा कर देखें ये कव्वाली का स्टाइल बन जाएगा कैसे, देख सकते हैं। और अगर आप इसको वैसे बजाएंगे तो ऐसा बजेगा, देखिए। तो ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा कि आसानी से कैसे बजाएं, तो वो आपको फिर बोल बता देंगे कि यहाँ पर ये एडिट कर लो, ये एडिट कर लो, बहुत सारे आपको तबला प्लेयर ये भी बता देंगे। तो आसानी से कैसे बजाएं, आपने पूछा था कि सर आसानी से बता दीजिए, तो देखिए ये बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया। ये प्रकार आपको पिछला आ गया तो ये आपका कव्वाली का जो स्टाइल है ये आप बड़ी आसानी से बजा सकते हैं।
तो अब आपने पूछा था कि इसमें हम तिहाई भी हमें थोड़ी सी सिंपल बता दी जाए, तो देखिए तिहाई लगाने की अगर अभी तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप सीख रहे हैं तो, अगर लगाना चाहते हैं तो आप कहरवा की जो मैंने आपको तिहाइयाँ बताई हैं वो आप लगा सकते हैं। तो कुछ मैं आपको सिंपल तिहाई आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे। कैसे? तिल के तो धान है, धान है धा, बस तिल के तो धान है, धान है धा, तिल के तो धान है, धान है धा, तिल के तो धान है, धान है धा, बस ये आपकी तिहाई बन गई। तो अब अगर और तिहाई लगाना चाहते हैं तो कैसे? देखिए मैं एक आपको और चीज बता रहा हूं, तो इसमें अगर ये लगाएंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए धा 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 धा, तो ये भी पूछा था एक स्टूडेंट ने, तो इसलिए मैं बीच में बता रहा हूँ, तो माफी चाहता हूँ कि आपको ये बता रहा हूँ बीच में। तो वो स्टूडेंट जिसने पूछा था कि धा 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 ये कैसे लगा सकते हैं, तो ये पहले सीख लें। तो कैसे? अब ये ऐसे आप लगा सकते हैं, और फिर कैसे स्टार्ट करना है? तो ऐसे आप धा करता, धा करता ता, तो ये है धा करता ता, धा करता ता। तो ये आपने वहां पर ही लगाना है जहां पर आपकी मात्रा पूरी हो रही है, ये नहीं कि एकदम ही लगा दिया बीच में। तो धाधा धा को एडिट करना है और फिर उसको वहीं से उठाकर, जैसे मेरे साथ कोई गाना गाने वाला है तो मैंने उसके सम से ही उसे उठाना है, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगी आपकी ताल, तो वैसे ही आपने उठाना है। इसलिए लय को ध्यान में रखना है, पहली मात्रा पर ही आपका फिर वजन आना चाहिए और फिर आपकी ताल चलनी चाहिए, तो इसको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। अब देखिए आपने पूछा था कि तिहाई तिहाई कैसे लगाएं, तो आप ये भी लगा सकते हैं तिल के दान दान दा, तिल के दान दान दा, तिल के दान दान। ये बोल है तिल के दान दान दा, तिल के दान दान दा, तिल के दान दान दा। ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसे लगा सकते हैं। तो अगर ये तिहाई नहीं आप लगा सकते तो आप सीधे सीधे इसको बजा सकते हैं किसी भी कवाली के साथ, ज़रूरी नहीं है कि बीच में आप तिहाई लगाएं और आगे चलें, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल बजाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपने तिहाई लगानी है तो बहुत मुश्किल तिहाइयाँ भी हैं जिसको आप अगर आप लगाएंगे अभी सीखेंगे तो वो बड़ी मुश्किल होगी। पहले आप बोल अच्छे ढंग से निकालना सीख लें, फिर तिहाई को लगाएं, ज़रूर लगाएं, तो फिर आपकी बड़ी आसानी से वो तिहाई लग जाएगी। और अगर आप तिहाइयाँ देखना चाहते हैं तो मेरी एक और वीडियो है कहरवा की, तो जिसमें बहुत सारी तिहाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, सिंपल हैं, थोड़ी सी मुश्किल भी हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप संगीत के परिवार से आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।